वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स, इसमें हम लोग दो अलग तरह के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। एक पाइप्स एंड सिस्टर्न का है और दूसरा पार्टनरशिप का। पाइप्स एंड सिस्टर्न का ये क्वेश्चन रियल में आपके पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर देगा, किसी भी तरह का एग्जाम हो। अगर इस क्वेश्चन को आपने सही तरीके से सॉल्व कर लिया तो इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन छूटने का सवाल नहीं उठता। मेन एग्जाम में किसी भी फॉर्म में इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा ताकि न्यू स्टूडेंट को भी समझ में आए, और एक से ज्यादा मेथड से बताऊंगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन पढ़ता हूं, रीड करता हूं। टू टैप्स P and Q can fill 5x6 of a rectangular tank in 20 minutes, okay, and 3/4 of the tank in 30 minutes respectively. थोड़ा टेढ़े ढंग से कहा गया, लेकिन टू इनलेट्स पाइप हैं। 20 मिनट्स में एक 5x6 पार्ट फिल करते हैं और दूसरा 30 मिनट्स में 3/4 पार्ट फिल करते हैं, okay? There is an outlet tap R at exactly 1/3 level of that rectangular tank, which can pump out 120 liters of water per minute. एक outlet भी है, लेकिन उस tank में 1/3 level पर लगा हुआ है, यानी 1/3 level से नीचे अगर water है तो वो outlet के ओपन होने का कोई मायने नहीं है, ठीक। पर मिनट वो 120 लीटर वाटर बाहर निकाल सकता है। इफ ऑल द थ्री टैप्स आर ओपन, तीनों को ओपन कर दें, इट टेक्स 12 मिनट्स टू फिल हाफ एन एम्प्टी टैंक। टैंक पूरी तरह खाली है, 12 मिनट्स में वो हाफ फिल हो जाता है। यहीं पर सब कुछ छुपा है। बताऊं, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट टैंक? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आइए पहले मैं मैप बताता हूं, ठीक है? क्वेश्चन का मैप बताता हूं। मैप समझ लीजिए, वो रेक्टेंगुलर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर ही लेते हैं, कोई भी हो। रेक्टेंगुलर टैंक है, मान लीजिए कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। ये 1/3 पार्ट पर ये लगा हुआ है। देखिए क्या लगा हुआ है, यहां जो 1/3 है ना, 1/3 यहां पर एक आउटलेट लगा हुआ है, जबकि टू इनलेट्स लगे, ठीक है। इनलेट्स तो कहीं से भी फिल करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आउटलेट को नीचे होना चाहिए तो नहीं, 1/3 ऊपर है। ये दोनों देखिए, एक टंकी जो है एम्प्टी है और हाफ फिल्ड हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जब तीनों पाइप को खोलेंगे। क्या तीनों पाइप को खोलेंगे? आउटलेट तो यहां पर खुलेगा ना, वाटर है नहीं तो निकलेगा कैसे? तो सबसे पहले वाटर फिल होगा इन दोनों पाइप से, पी एंड क्यू से। मान लीजिए ये पी है और ये क्यू है, तो फिल होगा। जब 1/3 लेवल तक जाएगा, उसके बाद आउटलेट पानी निकलना भी शुरू होगा, और जब हाफ पार्ट फिल होगा, हाफ पार्ट फिल होगा, तो इस बीच, इस हाफ पार्ट के फिल होने के बीच दोनों काम करेंगे, दोनों इनलेट और ये आउटलेट, ठीक है। सबसे पहले मैं बताता हूं, आप देखिए कि पाइप पी, ये 5/6 पार्ट जो है 20 मिनट्स में फिल करता है,
तो 20 मिनट्स में 5/6, तो पूरी टंकी को वो कितनी देर में फिल करेगा, यानी 24 मिनट्स में। जल्दी बोलिए, अकेले। और जो क्यू पाइप है, इनलेट पानी फिल करने वाला, वो 30 मिनट्स में पूरा नहीं, 3/4 फिल करता है। तो पूरे को फिल करने में ज्यादा लगेगा, ज्यादा मतलब 4/3, यानी कि 40 मिनट्स। ठीक है, दोनों का इंडिविजुअल रेट निकल गया। अब फर्स्ट मेथड की मैं बात करता हूं, यहीं से चेंज करता हूं। ठीक है, फर्स्ट मेथड, यहां लिखें, ऊपर लिखते हैं। चलिए, फर्स्ट मेथड मैं यहां लिखता हूं, ठीक है, फर्स्ट मेथड कि पी और क्यू दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, दोनों इनलेट एक साथ खुलते हैं, तो दोनों मिल करके xy/x+y, अगर हम इसका सीधा इस्तेमाल करते हैं, x+y यानी कि 64, किसका इस्तेमाल किए, x into y/x+y। फर्स्ट मेथड बात कर रहे हैं, 64 का मतलब 8 से 5 टाइम्स, 8 से 3 टाइम्स, यानी दोनों मिलकर के 15 मिनट्स में फिल कर सकते हैं। तो दोनों पाइप को कंबाइंड पाइप बोल दीजिए, कंबाइंड, कंबाइंड इनलेट, कंबाइंड मतलब सी बोल दीजिए। तो पी और क्यू भूल जाइए, अब पाइप सी हो गया। सी समझ लीजिए अकेले 15 मिनट्स में फिल कर सकता है। सी का मतलब समझे ना, दोनों पाइप को हटा के एक नया पाइप सी लगा दीजिए, जो दोनों का जो रेट है वो सेम है, पी प्लस क्यू माने सी कंबाइंड 15 मिनट्स। ओके, कंबाइंड माने समझे ना, पी प्लस क्यू। अब सुनिए, सुनिए, 15 मिनट्स में ये जो पाइप कंबाइंड पाइप है पी प्लस क्यू फिल कर सकता है, लेकिन 1/3 पार्ट फिल होने के बाद ही ना रेट चेंज होगा। तो 1/3 पाप, 1/3 जो है पाइप, 1/3 जो टैंक है, उसको फिल होने में कितना टाइम लगेगा, तो 1/3 पूरे को 15 मिनट्स लगता है, इसका मतलब 5 मिनट्स लगेंगे, यानी 5 मिनट्स तक में लेवल यहां आ जाता है। और उसके बाद ये पूरा हाफ है ना, उसके बाद इस पार्ट को फिल करते हैं, इनलेट और आउटलेट दोनों। तो आप मुझे एक बार बताइए, 12 मिनट्स में यहां से यहां तक 12 मिनट्स लगता है, समझ लीजिए अगर हम लेवल को दिखाना चाहते हैं ऐसे ऐसे, अगर लेवल दिखाना चाहते हैं ऐसे, तो और ये था ना, इधर लिखते हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या होगा, हाफ माइनस 1/3, यानी 1/6, पूरी टंकी का 1/6 पार्ट, बोले होगा ना 1/6 पार्ट, इसको दोनों मिलके फिल करते हैं कितनी देर में, तो 12-5 यानी 7 मिनट्स में। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक 12 मिनट्स लगते हैं टंकी को यहां तक फिल होने में, हाफ फिल होने में 12 मिनट्स लगते हैं। 5 मिनट्स तो इनलेट ने काम किया ना, तो 7 मिनट्स विथ आउटलेट काम किया, बोलिए आउटलेट, 7 मिनट्स में 1/6 पार्ट फिल होता है, 7 मिनट में 1/6 पार्ट फिल होता है, तो पूरा पार्ट फिल होने में 7 × 6 42 मिनट्स लगेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, ये कौन है, मतलब इनलेट प्लस आउटलेट दोनों मिलकर के इस पार्ट को देखिए 7 मिनट में 1/6, तो पूरी टंकी को फिल होने में 42 मिनट्स। 42 मिनट्स का मतलब सी का मतलब पी प्लस क्यू, सी और प्लस का मतलब यहां माइनस हुआ, और ये जो आर है ना, आर सी और आर दोनों मिलके, यहां से आप बात कर सकते हैं, यस
एक्स वाई बाय एक्स माइनस वाई 27, ये कहां से आया? 42 माइनस 15। इतनी देर में आउटलेट अकेले पूरी टंकी को खाली कर सकता है, किसका इस्तेमाल किया हमने? एक्स वाई बाई वाई माइनस एक्स, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया। इसके अलावा भी बनाएंगे, इसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल किए, इसके बिना भी कर सकते हैं सेकंड मेथड में। तो इसका माने क्या हुआ, देखिए देखिए 3 से 14, तो ये क्या हुआ 70 बाय 3 मिनट्स, और 70 बाय 3 मिनट्स में ये पूरी टंकी को खाली कर सकता है, और 1 मिनट में वो 120 लीटर वाटर बाहर निकालता है। तो कितना निकलेगा? 2800 लीटर। आंसर बोलिए, डी इज द आंसर। ये समझ में आया, इसको देख लीजिए अच्छे से। फिर मैं सेकंड मेथड से भी बात करता हूं, ठीक है, क्लियर। अब सेकंड मेथड से मैं बात करता हूं जिसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना है, यूनिट वर्क मेथड से बात करेंगे, इसमें इसको कंबाइन भी नहीं करेंगे, फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब समझ लीजिए ऐसे। और ये पार्ट वार्ट नहीं लिखेंगे, 1/3 तो ठीक है, और 1/6 ये भी छोड़िए, ये पार्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है, पार्ट नहीं लिखेंगे, और बाकी ठीक है। और ये सेकंड मेथड बात करते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड मेथड हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वर्क मेथड में डिफाइन करते हैं, इसका एलसीएम दे दीजिए, तो एलसीएम 120 हुआ, तो टोटल कैपेसिटी को हम मानते हैं कैपेसिटी 120 लीटर। कहां से एलसीएम? तो पी पाइप जो है 24 मिनट में अगर 120 फिल करेगा, इसका माने क्या है बोलिए? 5 लीटर पर मिनट। और ये 40 मिनट्स में करेगा तो 3 लीटर पर मिनट। जल्दी बताइए ये होगा ना, रेट्स हमने डिफाइन कर दिया। अब आप मुझे बताइए 1/3 का मतलब क्या हुआ? 1/3 ऑफ 120 लीटर यानी 40 लीटर जो आया उसको सिर्फ ये दोनों पाइप फिल करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो P प्लस क्यू है, यानी दोनों जो इनलेट्स हैं P प्लस क्यू, वो इस 40 लीटर को पहले फिल करेंगे 5+3 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से 5 मिनट्स में फिल कर देंगे 1/3, और तब आउटलेट ओपन होगा। अब आप मुझे ये बताइए 5 मिनट्स तो हो गया, तो 12-5 यानी 7 मिनट्स में तीनों काम करेंगे। कितना काम करेंगे तो सुनिए, हाफ का माने क्या हुआ, हाफ का मतलब क्या हुआ, देखिए 60 लीटर, 1/3 का मतलब क्या था 40 लीटर, 1/3 का मतलब क्या था 40, तो ये जो हाफ माइनस 1/3 है इसका माने क्या हुआ 60-40 यानी कि 20 लीटर। 20 लीटर को दोनों मिलकर के फिल करेंगे। निकालने का तरीका ये है कि 20 लीटर को जब ये फिल करेंगे दो तरह से बात कर सकते हैं, फिल तो 7 मिनट करते हैं ना, 7 मिनट पे ये फिल करते हैं, तो 7 मिनट आप सोचिए 20 लीटर को फिल करेंगे 7 मिनट में दोनों मिलके, मतलब पानी वाटर बाहर जाना अंदर जाना दोनों मिलके 20 लीटर में 7 मिनट लगेगा, पर इस दौरान अंदर कितना गया है वाटर, तो 7 मिनट में इनलेट ने जो वाटर फेंका है अंदर डाला है वो 5+3 देखिए 8 लीटर पर मिनट के हिसाब से 7 मिनट में उसने 56 लीटर वाटर अंदर डाला है। अगले 7 मिनट में उसने 56 लीटर वाटर डाला है, पर जा पाया है 20, इसका मतलब 36 निकल गया। तो आउटलेट का जहां तक सवाल है, आउटलेट का जहां तक सवाल है, उसने 56 माइनस 20
36 लीटर वाटर बाहर निकाल दिया। जल्दी बोलिए, 36 लीटर वाटर बाहर निकाल दिया। अब ये 36 लीटर बाहर निकालता है 7 मिनट्स में। जल्दी बोलिए, 7 मिनट्स में 36 लीटर वाटर को बाहर निकालता है, तो पूरे 120 लीटर को कितनी देर में निकालेगा? 7 मिनट में आउटलेट आर जो है, 7 मिनट्स में 36 लीटर वाटर बाहर निकालता है इन 7 मिनट्स। तो 120 लीटर को बाहर निकालने में कितना टाइम लगेगा? इतना टाइम लगेगा, और इतना टाइम में पूरी टंकी को खाली करेगा। पर हर मिनट वो 120 लीटर बाहर निकाल रहा है, लीटर पर मिनट बाहर निकाल रहा है, तो टंकी में कितना पानी इतने टाइम में पूरी टंकी को खाली कर सकता है? और हर मिनट में वो इतना लीटर बाहर निकालेगा, इतनी देर में पूरी टंकी को खाली कर देगा। 36 मान लीजिए 12, और मान लीजिए यहां से 3 × 40, तो ये लिख सकते ना ऐसे 12 × 10 ऐसे, ताकि ये 36 कट जाए। क्या हुआ? 2800 लीटर आंसर। दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, ये वाला जो डिफरेंस है वो कितना है? 20 लीटर, क्योंकि ये पूरा 60 और ये 40, 1/3 की बात करें, 1/3 ये हमने मान लिया था, इसमें 120 लीटर हमने यहां माना था, बाद में निकला कि वो 2800 है। 1/3 का मतलब नहीं लिखते हैं, यहां तो लिख ही चुके हैं, ये वाला 40 है, ये 60 है, तो ये 20 है। बोलिए, समझ में आया? मेरे ख्याल से इसमें पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया होगा। आइए इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड जो क्वेश्चन है वो पार्टनरशिप का है। पहले रीड करता हूं। राकेश एंड पवन एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विथ ₹75,000 and ₹90,000 रेस्पेक्टिवली। संजय ज्वाइंस देम आफ्टर एक्स मंथ बाय कंट्रीब्यूटिंग ₹105,000 and Pavan leaves X month before the end of the year. If the shares of Rakesh, Pavan and Sanjay in the profit are in the ratio of 20, 18, 21, then find the value of X. बहुत जल्दी बनेगा, अलग तरीके से। मैं सबसे पहले एक बात कहता हूँ, मैप थोड़ा बताता हूँ कि स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो मैप पहले देखिए, ये पूरे साल भर का सवाल है, वन ईयर का सवाल है, ठीक है? कौन कब आता है? राकेश। तो राकेश जो है वो 75,000 के साथ पूरे साल भर 12 मंथ्स बिजनेस में रहता है। पवन जो है वो 90,000 के साथ बिजनेस में आता है आफ्टर एक्स मंथ। देखिए, हो गया, आफ्टर एक्स मंथ संजय ज्वाइन करता है। संजय जो है आफ्टर एक्स मंथ, इसका मतलब मान लीजिए एक्स ये है, एक्स मंथ के बाद ज्वाइन करता है, तो एक्स मंथ यहां है। एक्स मंथ को ऐसे करते हैं कि ये एक्स तो है, लेकिन वो ज्वाइन कब करता है? एक्स मंथ के बाद। तो ये 12 माइनस एक्स मंथ वो बिजनेस में रहता है, ये रहता है संजय, कितने के साथ? 105,000 के साथ, ठीक है? तो रहता कहां है? यहां पर रहता है। तो हम लोग यहां लिखते हैं संजय, और ये 105,000 रुपीज के साथ। बिजनेस का मैप बता रहा हूं, इतना जरूरी नहीं है ये सब, ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी समझ में आए। और पवन के बारे में है कि पवन देखिए,
एंड बाबा लीव्स एक्स मंथ बिफोर, ये जितना एक्स है उतना ही एक्स यहां भी है, ये भी एक्स है पवन, तो पवन यहां तक रहता है, यानी ये भी 12 माइनस एक्स मंथ तक रहता है। जल्दी बोलिए, ये मैप है, ठीक है, क्लियर। यानी ये भी 12 माइनस एक्स मंथ तक रहता है, ये भी 12 माइनस एक्स मंथ तक रहता है, हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। बनाने का जो बेस्ट वे है वो ये है, कैपिटल का रेशियो मालूम है, पूरा कैपिटल क्यों लें, प्रॉफिट्स का रेशियो मालूम है, तो टाइमिंग का रेशियो क्यों नहीं निकलेगा। जहां तक कैपिटल के रेशियो का सवाल है, कैपिटल के रेशियो का सवाल है, जरा देखिए 75,000, फिर हम लोग कर लेंगे 75,000 इस टू 90,000 इस टू 105,000, ये है ना, हम लोग सिंपल रेशियो बनाते हैं ना, हम लोग सिंपल रेशियो बनाते हैं ना, 15 से 5 टाइम्स, 15 से 6 टाइम्स, 15 से 7 टाइम्स, यानी कैपिटल का रेशियो 5:6:7, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है। तो जहां तक टाइम का सवाल है, टाइम का सवाल है, तो आइए, ये है राकेश, इसके बाद है पवन, और इसके बाद है संजय। टाइमिंग का रेशियो क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल, तो प्रॉफिट है 20, 18 और 21, और कैपिटल का रेशियो हमने निकाला 5:6:7। क्या यही टाइमिंग का रेशियो ना होगा, जल्दी बोलिए, टाइमिंग का रेशियो ना होगा जितने समय के लिए बिजनेस में रहे। जल्दी बोलिए, यानी 4:3:3, पर हमें मालूम है कि राकेश शुरू से अंत तक रहा है 12 मंथ्स 3 टाइम्स, तो इन दोनों का तो सेम टाइम है ही ना, इन दोनों का सेम टाइम तो है ही, इंटू थ्री यानी 9 मंथ्स, किसी एक का ही निकालना काफी है। जल्दी बोलिए, अब पवन से पूछ लें, आप तो 9 मंथ्स रहे हैं, आप तो 12 माइनस एक्स मंथ्स रहे हैं, 9 मंथ्स रहे हैं, आपने साल से कितना पहले छोड़ा, 12 मंथ से कितना पहले छोड़ा, 3 मंथ्स। संजय से पूछ सकते हैं, आप तो 9 मंथ्स रहे हैं, अंत तक रहे हैं, ज्वाइन कब किए थे, एक्स 12 माइनस एक्स बोलेगा ना, तो देखिए 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, सो एक्स इक्वल टू 3 मंथ्स। होगा, यानी सी इज द आंसर, देखिए, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। ऑल द बेस्ट।